खबर टोंक के मेहंदवास क्षेत्र से है, जहां गांव लांबा के पूर्व सरपंच महेंद्र मीणा का संदिग्ध अवस्था में शव मिला। परिजनों ने राजनीतिक द्वेषता का आरोप लगाते हुए हत्या की आशंका जताई है, लेकिन मेहंदवास थाना अधिकारी ने मामले को हादसा बताते हुए मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया। गुस्साए परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया और सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों के साथ पूर्व विधायक अजीत सिंह भी मौके पर पहुंचे और हत्या का मामला दर्ज कर जांच अधिकारी बदलने की मांग रखी। पुलिस ने विवाद बढ़ता देख हत्या का मुकदमा दर्ज किया और मेहंदवास थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर उनियारा थाना सीओ की जांच सौंपी तो और 3 सदस्यीय चिकित्सकों की टीम का गठन कर पोस्टमार्टम करवाया और पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। गत रात्रि लंबा कला के पूर्व सरपंच श्री महेंद्र मीणा जी का आकस्मिक संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हुई, जिसमें पुलिस रात को मौके पर पहुंची। परिजनों ने उसके अंदर हत्या का आरोप लगाया है राजनीतिक प्रतिद्वंदा के रहते, जिस पर हमने तत्काल मुकदमा दर्ज किया है। जिस आरोपी को उन्होंने नामजद किया है, उस आरोपी की सघनता से पूछताछ की जा रही है। परिवारजनों की मंशा के अनुरूप बोर्ड से 3 डॉक्टरों के बोर्ड से मेडिकल मुआयना कराया गया।